एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा, क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो आंधी, तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइसेस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो, और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वो देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।